देखिए अब हम लोग यूज मैप देखेंगे, ठीक है ना। यूज मैप मतलब क्या होता है कि इमेज के अंदर में हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट पार्ट का अगर आपको लिंक करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक इमेज है मेरा माई डॉट पी एन जी, तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ब्राउजर में चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए तो अभी स्क्वायर वाला जो हमारा पोर्शन है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर ये कोन वाला सेक्शन जो है मतलब एरिया है, इसी में ही लिंक हो हमारा उस प्रकार से, और यहाँ पे स्पेयर जो है हमारा इसमें ही लिंक हो, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ये इमेज है, और इमेज के अंदर में अलग अलग इमेज जो दिख रहा है, इसमें करने के लिए हम लोग को यूज मैप का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो इमेज होगा आपका उसमें आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। देखिए यूज और उसके बाद में मैप, यूज मैप करके यहाँ पे आप हैच लिख के इस चीज का कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सिंपल माई एम ए पी मैप करके, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हम लोग चलते हैं, और नीचे जाने के बाद में फिर यहाँ पे एम ए पी मैप, ठीक है। और देन फिर यहाँ पे हम लोगों को देना होगा नाम। अब ये जो नाम होगा, ये नाम कौन सा होगा जो ऊपर में हम लोग नाम दिए है इमेज जिसमें हम इसका यूज करना चाहते हैं, माई मैप, यही नाम दिए है ना हम लोग, ये हम लोग को यहाँ लिखना होगा। फिर ऐसे हम लोग बंद कर देंगे इसको, ठीक है। अब एरिया डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एरिया, और सबसे पहले देखिए जो हमारा एरिया है जिसमें हम लोग लिंक बनाना चाहते हैं वो हमारा कुछ स्क्वायर शेप में है ना। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, ए सॉरी स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, शेप लिखना पड़ेगा, एस एच ए पी शेप। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग रेक्ट लेंगे, रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को देना होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, सी ओ ओ आर डी एस। अब कोऑर्डिनेट कैसे देंगे यही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोऑर्डिनेट के बाद में यहाँ पे हम लोग एच आर ई एफ रेफरेंस देखिए यहाँ पे लिंक देंगे पेज का। तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई पेज में बनाऊंगा इसके लिए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट देना। कोऑर्डिनेट देना सीख में सीख गए आप तो आपको लिंक करना तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होना है होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए जो इमेज है ना वो इमेज को आप पेंट में ओपन कर लीजिएगा। देखिए पेंट पे मैं यहाँ ओपन करके रखा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो यहाँ का लिंक है इसको लेना चाहता हूँ। तो यहाँ का लिंक के लिए जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में ध्यान दीजिएगा, एक नंबर दिखाएगा आपको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ तो नीचे में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपका 47 और 28, 47 और 28। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 47, 28, ठीक है। और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे ये एंड के साथ हम लोग करना है मान के चलते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 92, 98, 92। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और लिख देंगे कॉमा देके ही 90 कितना था, यहाँ पे आपका 97, 92, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 97 और फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे 92, है ना। अब अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ आपको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे एक खाद बन रहा है इस एरिया में, तो ये लिंक हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि एक पेज हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये पेज जो आ गया मेरा, यहाँ पे मैं एच टी एम एल 5 ले लूँ तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एच टी एम एल अपने आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं एच वन लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं एच वन लिख रहा हूँ, और उसके अंदर में यहाँ मैं लिख देता हूँ एस क्यू ए आर ई स्क्वायर, ठीक है। और देन अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आई एम जी इमेज एस आर सी इक्वल टू
और उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्वायर वाला इमेज है मेरा एक, उसको मैं यहाँ लेके आ जा रहा हूँ, स्क्वायर डॉट पीएनजी, और फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं हमारा एबीसी फाइल जो था, और यहाँ पे लिंकअप दे देते हैं। क्या पेज का नाम था? स्क्वायर डॉट एच टी एम एल, स्क्वायर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और उसके बाद वापस हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे को स्क्वायर वाला पेज में लेके चल जाएगा। देखिए पर्टिकुलर इस पे क्लिक करूंगा तो उसी प्रकार से अब ये जो है हमारा कोन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोन का एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ये कोऑर्डिनेट चाहिए, और एक ये कोऑर्डिनेट चाहिए। तीन कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए, ठीक है ना? तो तीनों कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हम लोग को? सबसे पहले ऊपर वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, 151 और 33। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ये पूरा कोई मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आर ई सी टी के जगह में हम लोग पी ओ एल वाई पॉली ले लेंगे, है ना? और फिर यहाँ पे क्या था, एक बार फिर से मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ ऐसे, और ये 150 33। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? 150 150 कॉमा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 33 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिलहाल यहाँ मिटा देते हैं, है ना? फिर हम लोग जाएंगे और इस कोना में अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए दिखा रहा 125 और 83। तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं 125 125 कॉमा 83। उसके बाद में फिर हम लोग चलते वापस से पेंट में और यहाँ रखते हैं, ये दिखा रहा है 175 और 83। तो हम लोग यहाँ आते हैं और फिर लिख देते हैं 175 कॉमा 83। और उसके बाद अब इसके लिए भी एक पेज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग न्यू फाइल और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कोन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंटर मारते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्क्वायर वाला जो मेरा था एच टी एम एल, यहाँ पे कंट्रोल ए, सॉरी कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल ए से आपका सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और उसके बाद में फिर कोन डॉट एच टी एम एल में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एस क्यू आर जो था, इसके जगह में मैं यहाँ सिंपल क्या लिख दूंगा, कोन डॉट पी एन जी। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर जो हेडिंग था इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सी ओ एन ई कोन लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, वापस हम लोग आ जाते हैं ए बी सी वाला पेज में और यहाँ पे जैसे स्क्वायर था, ये स्क्वायर का जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, सी ओ एन ई कोन डॉट एच टी एम एल। और वापस से हम लोग यहाँ जाए और अगर इसको रिफ्रेश कर दे, अब कोन में आएंगे तो देखिए कोन में हाथ बन रहा है, और जब क्लिक करेंगे हम लोग कोन में तो ये हम लोग को कोन वाला पेज में लेके जाएगा। अच्छा, कोन वाला पेज में हम लोग जा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा यही पेज खुल जा रहा है ना, मतलब वो इमेज। क्यों? क्योंकि शायद इमेज जो है उसका लिंक हम लोग क्या दिए, देख लेते हैं, कोन डॉट पी एन जी ही है, तो कोन डॉट पी एन जी ही वो फाइल होगा, बन गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लिंक तो हो रहा है ना हमारा। एक बार हम लोग फिर से जाते हैं abc.html con.html। ठीक है, उसी प्रकार से अभी हम लोग सर्कल वाला भी देखते हैं करके, है ना? कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। और अभी सर्कल में क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पे सी लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका सर्कल। ठीक है ना, अब यहाँ सर्कल में सबसे पहले तो हम लोग को सेंटर देना पड़ेगा, सेंटर जो रहेगा, और उसके बाद रेडियस देना होगा। तो इमेज में जाएंगे, इमेज में अगर सेंटर का बात करें तो हम लोग को ये वाला हम लोग का सेंटर है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं अगर, तो देखिए 231 और 59 नीचे में डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 239 कोऑर्डिनेट में 239 कॉमा, और क्या था, एक मिनट, 239 और आपका 60, 239 230 और 60, 230 और 60 ले लेते हैं, चलिए 230 और 60 ले लेते हैं, 230 और उसके बाद में यहाँ पे 60 और नेक्स्ट। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब पहले तो यहाँ का देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो एक्स एक्सिस कितना दिखा रहा है, देखिए 203 दिखा रहा है,
और यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना दिखा रहा है, 230 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस जो हो गया हम लोग का 27 हो गया। घटा दीजिए 230 से 203 को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रेडियस दे देंगे जो कि आपका 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद में फिर हम लोग को रेडियस चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे और इसको सेव कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे पेज एक तो बनाना था, एक तो पेज बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एस आर स्पेयर, लिख देता हूँ उसका नाम SPER स्पेयर डॉट HTML। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम उसी प्रकार से कोन में चलते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ स्पेयर स्पेयर में आ जाते हैं, स्पेयर HTML में, यहाँ स्क्वायर नहीं कहा गया, स्पेयर हम लोग का ये, ठीक है, SPER लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे नाम को ठीक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम SPHER स्पेयर ना। ठीक है, और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे इमेज जो है कौन लिखा हुआ है, ये कौन का जगह में हम लोग क्या कर देंगे एस, देखिए यहाँ पे नाम जो है वही लिखा हुआ है SPER, तो ठीक है उसी को रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेज का नाम है इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, ABC में जाएंगे और यहाँ पे कौन जो लिखा हुआ है, कौन का जगह में SPE वाला स्पेयर डॉट HTML, ये पेज का नाम जो था हमारा लिख देंगे। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए अब स्पेयर में हम लोग का बन रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये वाला आपका कौन पेज ओपन हो जा रहा है। एक मिनट, ये तो कौन पेज ओपन हो रहा समझ में आ रहा है, ये स्पेयर में कौन पेज ओपन क्यों हो रहा है, एक बार हम लोग चलते हैं और स्पेयर डॉट HTML में देखिए कौन नहीं, यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं स्पेयर कर दूँ तो ठीक समझ में आ जाएगा, SPHER स्पेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए स्पेयर। और रहा बात इमेज का, तो वो सेम सेम इमेज वहाँ पे आ गया है, इस कारणवश वो इमेज आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर का अलग से पेज आ रहा है स्क्वायर डॉट HTML, यहाँ पे कोन के लिए अलग पेज आ रहा है कोन डॉट HTML, और यहाँ पे स्पेयर का अलग एक पेज आ रहा है स्पेयर डॉट HTML। तो ये था आपका यूज मैप। देखिए यहाँ पे कोडिंग एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले इमेज में यहाँ पे आपको यूज मैप करके एक नाम देना होता है, नाम जो देंगे हैच साइन के साथ देना है, उसके बाद में फिर मैप वाला टैग यूज करेंगे और यहाँ पे जो नाम होगा इस नाम को यहाँ पे नेम इक्वल टू वो नाम देना होता है। ठीक है, फिर जिस तरह का आप एरिया आप डिफाइन करना चाहते हैं, अगर रेक्टेंगल शेप में तो रेक्टेंगल, अगर मान लीजिए कि कुछ अलग तरह का शेप है तो आपको लेना पड़ेगा पॉली, और अगर आपका सर्कल शेप है तो आपको लेना पड़ेगा सर्कल, और फिर कोऑर्डिनेट देना पड़ता है। अभी रेक्टेंगल में क्या करना पड़ता है, हम लोग को दो कोऑर्डिनेट देना होता है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप के लिए सबसे पहले तो यहाँ जैसे ये रेक्टेंगल शेप आपको लेना है मान के चलिए, है ना, तो एक कोऑर्डिनेट तो पहले आपको यहाँ का लेना है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ का लेना है। ठीक है, अभी इस तरह से जैसे पॉलीगॉन ट्रायंगल था मगर ये पॉलीगॉन हिसाब से दिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ का एक टू कोऑर्डिनेट दिया हूँ, यहाँ का एक टू कोऑर्डिनेट दिया हूँ और यहाँ का एक टू कोऑर्डिनेट दिया हूँ। और अगर सर्कल लेना होगा तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट लेना होगा और फिर जो रेडियस होगा वो देना होगा। ठीक है, जो रेडियस का लेंथ होगा वो देना होगा। ठीक है,